बट्टी बट्टी पर्वत पत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा बट्टी बट्टी पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा तो पल का साथ हमारा पल तो पल की यारी आज रुके तो कल करनी है चलने की तैयारी बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा बस्ती बस्ती बजाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा कदम कदम पर होनी बैठी अपना जाल बिछाए कदम कदम पर होनी बैठी अपना जाल बिछाए इस जीवन की राह में जाने कौन कहाँ रह जाए कौन कहाँ रह जाए बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा धन दौलत के पीछे क्यों है ये दुनिया दीवानी यहाँ की दौलत यहाँ रहेगी साथ नहीं ये जानी बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा वाह भैया वाह काश तो लोवाना सच्ची बात कहे वहां सब यहाँ के दौलत यही रह जाए सच तो है भैया पर आजकल इन बातों को कौन मानता है मेरी बेटी की सगाई हुई तो वो लोग दहेज में 5,000 रुपया मांगते हैं 5,000 अरे राम राम बिना जा रही है जाग रही तो मैं क्या करूँ कहाँ से लाऊं रुपया और कैसे होगा ब्याह मकान बेच देंगे मकान बेच देंगे भैया ये दोनों बहुत छोटे थे तब इसके बाप की मृत्यु हो गई अपने सारे जेवर बेच बाच के इसे पढ़ाया लिखाया एक दिन सब दुख दूर हो जाएंगे पर इसे अभी तक नौकरी नहीं मिली अब भला सोचो कि मकान बेच दूं तो कहाँ रहूं सड़कों पर ठीक तो है भैया एक घबराओ नहीं माँ सब ठीक हो जाएगा क्या ठीक हो जाएगा हाँ भाई ये सारा संसार एक कष्ट में है सब भगवान भला करे जय भगवान अरे कहाँ कर रहा था गिरी जाए है अरे भगवान तू जरा इस तरफ आ जा हम आराम नहीं करियो अरे बिटिया रानी का सो जान दे जरा भैया खटक के बैठ क्या यार होने दो यार अरे खटक के बैठ शुक्रिया बहुत मेहरबानी की है तूने आए भैया उम्र में तो हम तुझसे बढ़वा रहे हमार उम्र पूरी 60 साल है अब तुहार उम्र 22 साल हम जात का धोबी है भैया पर महीना में 200 रुपया कमाई और तुहार कुछ काम धंधा ना है कुछ नहीं है तो आमदनी में हम तुझसे बड़ा है अब एक बात पूछी भैया कि तुम हमका तू कह के कैसे बुलावा है एक तो हम तुम्हारी बहनी का जगा दे अब तुम दो चार अक्षर अंग्रेजी का पढ़ लियो एकदम तबियत ही बुला दी राम 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 चल इनसे माफी मांग चल मांग माफी भैया गलती होगी अब माफ कर दो जियो बच्चा जियो ही होगा सभ्यता कहा से जीते रहो बेटा जीते रहो जा भैया खसक के बैठो जा राम ए राम जरा बेटा बाहर जाके देख तू गाड़ी बड़ी देर से खड़ी है क्या बात है गाड़ी बड़ी देर से खड़ी है उठवा उठवा देखा गाड़ी खड़ी हो गई है गाड़ी खड़ी हो गई है
भाई साहब, हुस्न बुला रहा है। कहिए मैम साहब। बता सकते हो गाड़ी क्यों रुक गई? रेलवे लाइन पर मुर्गी ने अंडे दे दिए हैं, जब वो अंडे हटाए जाएंगे तो गाड़ी चलेगी। अभी तक क्यों नहीं हटा? अरे वाह मैम साहब, क्या दिमाग पाया है आपने। बदतमीज हो तुम। अरे वाह, तू तड़ाक से तो बात आप करते हो, बदतमीज मैं हूँ? बदतमीज तो आप हैं। हुस्न भी कभी बदतमीज होता है। देव साहब, ये दुनिया वाले दो और दो को चार ही कहते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। इधर देखिए, मैं दो और दो को 22 कहता हूँ और सुखी रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। कह रहे थे हुस्न बदतमीज होता है। मेन साहब भी दो और दो को चार ही कहती है। क्या है? अंदाजा, राजकुमारी अपने कमरे में नहीं है, उनके बिस्तर से यह चिट्ठी मिली है। मैं सदा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। जो वर आपने मेरे लिए ढूंढा है वह मुझे कदाचित पसंद नहीं। दुख है कि आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। आपकी अभागी इंदिरा। हेलो हेलो कंट्रोलर, स्टेशन मास्टर के लिए प्लीज स्पीक। अरे ओ मास्टर, का कथा हुए? हम कहा ये गाड़िया का है रुक गई बा? बताता हूँ। बतावा भाई, गाड़ी इसलिए रुकी है कि अगले। गाड़ी क्यों रुक गई? मैं यही बता रहा था, गाड़ी इसलिए रुकी है कि अगले। ओ बाबू, गाड़ी क्यों रुक गया? लाला मैं यही बता रहा था, गाड़ी इसलिए रुकी है कि। खान साहब जरा बीच में अटकाएं कर रहे हैं। मैं पूछूं गाड़ी किस वास्ते मुकम कर गई है? सेठ जी, मैं इन सबसे यही बता रहा था, गाड़ी इसलिए रुकी है कि। यस मैडम। ओहो, पहले आप सब इकट्ठा हो जाइए, फिर मैं बताता हूँ। गाड़ी क्यों रुका है? शराब काई कर रहा है मास्टर जी? नहीं, हमारी सुनो तो सही, पहले सबको इकट्ठा करो, फिर मैं बताता। अच्छा, मैं सबको इकट्ठा करूँ, जरा इधर आओ। देखो भाई, बीच में कोई बोलेगा नहीं। खान साहब, थाने दरवाजा पकड़ो, किसी को अंदर मत आने देना। अब कोई बोला तो मैं बिल्कुल नहीं बता रहा। स्पीक मास्टर, स्पीक, बताओ हमको गाड़ी क्यों रुकी है। बात ये है कि अगले स्टेशन पर। स्टेशन मास्टर? जल्दी करो मास्टर, जल्दी करो। अरे भाई, गाड़ी इसलिए रुकी है कि अगले स्टेशन के पहले एक नदी में बाढ़ आई है, रेल की पटरियां पानी में डूबी है, इसलिए गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। स्टेशन मास्टर साहब, ये गाड़ी कब तक यहाँ रुकी रहेगी? जब तक नदी में बाढ़ रहेगी। पर कब तक रहेगी? अरे ये मैं कैसे बता सकता हूँ, क्या मैं भगवान हूँ? सुषमा साहब, आपका सिग्नल। एक्सक्यूज मी मैडम। WORKE वर्क, PRO प्रोग्रेसिंग, गाड़ी यहाँ 24 घंटे रुकेगी। 24 घंटे? 24 आवर्स? यंग मैन, आप तार का काम भी जानते हैं? जी हाँ, जानते हैं। यस, क्या हमको चल देता है? यहाँ ही रहना पड़ेगा शायद 24 घंटा? नवाब पुराना घर के कुत्तों की शादी है, एंड आई एम इनवाइटेड देयर, मुझे बुलाया है, मुझे शाम तक वहाँ पहुँचना है। सो व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, फिर नौकरी के लिए सीखा था, अभी तक नौकरी नहीं मिली। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी प्लीज, वेस्ट टेस्ट मास्टर, कल सुबह तक मुझे बंबई पहुंचना है, इंडिया और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच हो रहा है, लाला मंडा कप्तान है। डू यू नो? नो। यू डोंट नो? सर्टेनली नो। नो नो, मगर मेरी तो नौकरी का सवाल है, कल तक नहीं पहुंचा तो नौकरी कैसे मिलेगी? सिफारिश है तो नौकरी नहीं मिलेगी, ये अंधेर नगरी स्टेट है, यहाँ बगैर सिफारिश की नौकरी नहीं मिलती। अरे हाँ भाई, अंधेर नगरी तो हाईवे है, ना ही तो इतना कहूँ गाड़ी रुकती बा। अरे वो महट्टर, हम कहाँ, हम रही भाई कहाँ, कहाँ पलट फार्म पर। हाँ भैया हाँ,
तो हम ऊंचे दर्जे के मुसाफिरों को रहने का क्या बंदोबस्त है जी? यहाँ पर वेटिंग रूम नहीं है? नहीं मैडम। नो नो सर। तो हम लोग कहाँ रहेंगे? आप लोग अपने अपने डिब्बों में रह सकते हैं। लेकिन वहाँ पर न पंखे चलते हैं न पानी है। यस, तो फिर आप लोग इन लोगों की तरफ प्लेटफॉर्म पर रह सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर? ये प्लेटफॉर्म पर। बाबूजी वाह, तुम तो आज खुश कर दी हो। कम से कम एक दिन तो अमीर और गरीब साथ मर रही है। इतना बकते क्यों है? खफा क्यों होती है मैम साहब? जैसे हम रहेंगे वैसे आप रह सकते हैं। देखिए मिस्टर, खुशकिस्मती से जिंदगी हम पे ज्यादा मेहरबान है तो हम श्रेष्ठ समझे जाते हैं। दुनिया के तमाम आराम हमें मुयस्सर है, इसलिए हम आपके साथ प्लेटफॉर्म पे नहीं रह सकते, आप समझे बाबूजी? यस मैडम। तो हम लोगों का क्या बंदोबस्त होगा जी? अच्छा अच्छा स्टेशन मास्टर साहब, इन श्रेष्ठ लोगों का इंतजाम तो होता ही रहेगा। अब ये बताइए कि यहाँ कुछ खाने पीने का बंदोबस्त है या नहीं? नहीं यंग मैन, स्टेशन पर न कोई दुकान है न कुआं। कुआं भी नहीं? नो, 24 घंटे यहाँ रहना है और पानी तक का इंतजाम नहीं है। आई एम वेरी सॉरी। सचमुच ये अंधेर नगरी है। क्या मतलब? ये जगह अंधेर नगरी स्टेट में नहीं है? नहीं मैडम, ये स्टेट का ही आखिरी स्टेशन है और महाराज हमारे मालिक है। वाह स्टेशन मास्टर साहब। यस, जैसे इस स्टेट का नाम अंधेर नगरी है वैसे ही अगर राजा साहब का नाम चौपट राजा होता। क्यों स्टेशन मास्टर साहब? क्या है? अब हमारे खाने पीने का क्या बंदोबस्त होगा? यहाँ से करीब ही फरलांग आध फरलांग पर एक दुकान है, साथ ही कुआं भी, वही खाने पीने को मिलेगा। निहाल चंद, यह लोग काई करे अच्छा खड़ा होकर व्यापारी के काई कर रोते ये कहीं को। अरे इधर दुकान भी एक, कुओ भी एक, व्यापारी शाबाश। तू जल्दी से जा, हमारी रकम भी थैली लिया। हाँ पर रकम का काई का सोचे? अरे बुद्धू धंधो परसु धंधो। वाह भगवान वाह, जब देने पे आता है तो छप्पर फाड़ के देता है, एक को डबल हुई जाए को डबल। अरे कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं, सुगन अच्छो है। क्या चाहिए? चना कुरमुरा सेव गाठिया गजक लड्डू पेड़ है, तुम्हें क्या चाहिए? या बोरी में कहीं है? गेहूँ चावल बाजरा। बस बस ठीक है ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तो सब कुछ चाहिए। चलो मैं बाबा को बुला। बाबा 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 हो बाबा, ऐसे हमारा माल जूता क्यों करता है जी? अरे जूता जूता करूँ मैं तो चखू। चखना सुना कुछ नहीं, इस लड्डू का एक पैसा देना पड़ेगा। कहीं बात करे, इतना बड़ा धंधो कर रही हूँ। इतना बड़ा धंधो हमें नहीं करना धंधा, एक पैसा निकाल। पैसों निकाल, ये ले थरो पीस लो। हमें बुद्धू समझ लिया था। लो एक दो तीन। या खोटो खोटो नहीं खोटो। क्या है बिटिया? लाला दुकान था रही है कहीं? परमेश्वर की है। वाह वाह वाह, बेचनी है? ना ना बाबा, दुकान दुकान नहीं बेचना है, दुकान तो हमारी इज्जत है। सुन लिया? सुन लिया, वो तो ठीक है, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी चाहिए, मैं तो एक दिन के वास्ते चाहिए। एक दिन के वास्ते? अब थोड़ी सी रात हो जाएगी और कहीं घनी रकम दूंगा। बहुत पैसा? हाँ। अरे किसको आया? हमरा है जी। अरे निहाल चंद। अरे जीव चंद। अरे जल्दी आ, मणि तो सोदो पट्टो भी गिर रहे। अरे तो यहाँ कुआं में पानी है, सूखो है। ए बाबा कैसा सेठ है रे, ए सेठ पानी के बिना कुआं कैसे हो सकता है? हमारी गलती होगी। हाँ हाँ आ तो यहाँ कुआं ने दुकान को सारो सामान, या कुआं ने दुकान को सारो सामान, एक दिन और एक रात के वास्ते कहीं दे दू निहाल चंद? ₹150। डेढ़ सौ कितना? डेढ़ सौ 150। 150? 150 नहीं, 150 नहीं, 150।
मन तो अनपढ़ दिखे। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ बीस बीस कितना बीस कितना बीस हिसाब करने हाल चंद सात बीस ही छेड़ जी। ओह गड़बड़ समझदार है। सात बीस ही सात बीस ही एक दो तीन चार पाँच छह सात सात बीस ही सात बीस ही दिया दिया दिया। आदमी हाल चंद तू रकम गिन मैं अब आ रहा हूँ। अरे तू रकम देव ना आ दे निहाल चंद स्टाम्प पे सही करा लेना। चुप की बात है चुप की बात है। एक दो तीन चार पाँच ये छह और ये सात। ए लाला जरा लिखा पढ़ी भी करना। हाँ हाँ भाई आता हूँ आता हूँ। संभालिए सेठ जी बोझ से गिरी जा रही है आपकी बिटिया। कहे बिटिया होगी थारी हमारी तो जरूर है। असल क्या मानो है दूसरे की जोरू पे हंसते हैं। 700 रुपया खर्चो क्यों है 700। चल भगवान चल इंसान है मान तो बिकते ही है बाजार में। माँ ये सेठ तो कमीना है ही मगर इस बच्ची के माँ बाप को गोली मार देनी चाहिए जिन्होंने इस मासूम लड़की को बुड्ढे के हवाले कर दिया। ऐसा नहीं कहते राम बेटी वालों को ही अपनी मुसीबत का पता होता है। चल बिमला ले देख ली। अच्छा मैं ले चलती हूँ। निहाल चंद जी ओ निहाल चंद। हाँ नसीब चंद जी पटे मर रहे है मारो सामान तो उतार उतार हूँ। उधर किधर जा रहे सामान उतारने जा रहे हो नसीब चंद जी। नहीं मारी जोर को सामान मैं उतारूंगा मारो सामान तू उतार। अग्री को है सामान के बहुत भारी है। हाँ बिस्तरो और कहीं करे। हाँ या फिर ओ घनी भारी है पोटली तो लाइफ पिटारो मार पास दे दे। थक गई होगी भगवान ला मैं थारी थारी सेवा कर दूं। सेवा तो मैंने करनी चाहिए। लक्ष्मी है लक्ष्मी। ओ दिया काई नाम है थारो। नैना। नैना जरा थारी भाभी को अंदर ले जाना। जा भगवान जा तेरा वर है। ओ दिया तू तो बच्ची है रे तेरा वर तो बहुत बुढ़ा है। माँ कहती थी वर का लेख दाता जन्म ही से लिख देते। ओ दिया बाबा बाबा ये कहती है वर का लेख दाता जन्म से लिख देते। हाँ बिटिया हाँ बाबूजी, हम कहाँ आगे कहाँ गई हो? इतना सामान वामान उतारो ना। हाँ, ठीक है। हाँ, ये रखते हैं सामान।
अरे तू खड़ा खड़ा कहाँ देखा तो दुनिया को लेके आई हो? अरे कहूँ खेलत हो यार, खेलत नहीं हो रही जुटा में। बैठ बैठ आराम बैठा, जरा कहीं से पानी तो ला हाथ में धोने के लिए। अच्छा जाता हूँ। गोरे स्नान करे, गोरे स्नान करे, शीतल जल की निर्मल धारा, चांदी जैसे तन से खेले, जब जी चाहे गले से लिपटे। राम राम राम, कितना बदमाश आदमी है, देखो ना कैसे गंदे गीत गा रहा है। बड़े गंदे गीत गा रहा है महाबदमाश। गोरी सिमटे लाज की मारी, धारा मान करे, गोरी स्नान करे। क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास? ये बकवास नहीं तो और क्या है? कविता है, हुस्न की तारीफ में कविता। निहायत आवारा है आप। वहाँ एक नौजवान लड़की को देखा तो कहने लगे हुस्न बुला रहा है, और यहाँ एक नौजवान लड़की को नहाते हुए देखा तो आप शेर फरमाने लगे। हुस्न का पुजारी हो ना, तो आप हर नौजवान और खूबसूरत लड़की को देखकर शेर फरमाने लगेंगे। हो सकता है, तो चलो चांस है, देखते नहीं हो वहाँ माए बहने बैठी हुई है। वो मेरी भी तो माए बहने हैं। तो माओ बहनों पर कोई गंदे शेर नहीं कहता। चलो उठ उठ उठ। सचमुच तुम लोग दो और दो चार ही कहते हो। दो और दो चार नहीं तो और क्या होते हैं जी? 22 भी होते हैं। और जब आप लोग ये समझ जाओगे तो दुनिया हमेशा हसीन नजर आएगी। थोड़ा पानी। अरे 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 कहीं कर रहे हैं, कहीं फुकट में देने के वास्ते मैंने दुकान में कुआ खरीदो है। बाबू साहब निकालो पानी का पेशा। पानी का पेशा? और नहीं तो कहीं 150 रोकड़ो दियो है। अब आर तो कहीं नहीं एक पिशु गिलास दे रहे हो। जैसो सूरज चढ़ेगो वैसो पानी को भाव चढ़ेगो। तुम पानी बेचोगे? तुम पानी बेचोगे? पानी का काला बाजार करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? धंधे में शर्म कहीं? 150 दियो है, वसूल तो होना चाहिए कि नहीं? तुमने तो कुआं बनवाया था कि पैसे लोग पानी पिया करेंगे, मगर ये शहर तो पानी बेच रहा है। इस शहर के लोग कैसे होते हैं? मुझसे बहुत पाप हुआ बेटिया, अब क्या करें? हमें नहीं चाहिए उसका साथ भी, हम लौटा देते। हाँ ठीक है। देखो भाई, मैंने 5-6 आदमी की जरूरत है। बर्तन घसना, झाड़ू देना, आटा गूंदना, पूरी तड़ना और पानी निकालना। जिसको काम करने का है खाना और पानी फोकट मिलेगा। ठीक है बाबू साहब, तुम काम करोगे तो तुमको भी पानी फोकट मिलेगा। मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। नौकर नहीं हो तो पैसा निकाल फिर। ये लो पैसे। कहीं हमें नहीं बेचने? निकाल बेचना, तू तो बेच चुकी है। पैसे वापस तो दे रही हूँ, निकल यहाँ से। मैंने नहीं चाहिए सारा पैसा, ले। बेच जाता है कि नहीं? नहीं जाता हूँ। मैंने शोधो कियो है, कोई कानून है कि नहीं है? कानून तेरे बाप का है क्या? कानून तो हमारे बाप को नहीं है, पर इसके बाप को हमारे पास स्टाम्प के ऊपर अंगूठो है। अब कानून हुयो के नहीं? कानून क्या होता है जी? कानून कानून स्टाम्प कचेरी कोर्ट मजिस्ट्रेट। वाह सरकार वाह, अच्छा कानून बना दिया। नहीं तो इसके सरीके 2-4 और मिल जावे तो हमारे गरीब को धंधो व्यापार बंद हो जाए। सीधे साधे लोगों से स्टाम्प पे दस्तखत करवा के उन्हें धमकी देता है। चोर जेल जाने का बंदोबस्त करता है, कानून तोड़ता है। अबे मैं तो जेल चला जाऊंगा मगर तेरा सर फोड़ दूंगा, ताकि इन सब लोगों का भला तो होगा। हाँ हाँ, तो सब लोग बोले ना, तू अकेले क्यों बोलता? चल यहाँ से। कहीं नहीं, जवान फोड़े माथा गर्म हो जाता है। माँ ये सब लोगों को पैसा मारना चाहता है। ठीक है चल। अरे मैं कोई पानी स्टार्ट कर रहा हूँ, कहीं मैं तो पानी बेचती हूँ। ये ले थारा रुपया। बाबू साहब थारे पास रुपया भी नहीं हो, काम भी नहीं करना हो तो कुछ चीज ले आना। मैंने तो धंधो करना है। अरे वारे धंधो करना है,
पानी बेचा था धंधा करेगा? कोई तो पानी भी बिकता है, कैसा मुल्क है ये? लाला पानी बिकेगा और सेठ जी जब तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं आपका धंधा खूब चलेगा। अरे वाह खूब चलेगा। काहे कह गयो? अब बराबर कह गवा है। अबे जा जा जंगल में जा लोटा लेके। अरे वाह जय राम जी की से। बगैर पानी के ही जाओ। मैम साहब पानी के लिए पैसा दो। पानी के लिए पैसा दो? पानी बिकता है यहाँ पर। पानी पानी बिकता है? हाँ सर। वही वही पानी बिकता है तो हम लोग बियर पियेंगे। खुश मेरे पास बहुत बियर है। यस यस आप लोगों के पास बियर दूसरी तो है ना? यस। अरे वाह तब तो खूब पिकनिक रहेगी। इज़न दैट मिसेस कपूर? यस ऑफ कोर्स। तेरा वह कैसा नीचेरी पानी बेचता है, कान सारे को बंद करती है। माँ ने कहा था पति की निंदा नहीं सुना करती। कहाँ जा रही हो बेटिया? देखो बाबा अपनी तरफ से कोई पैसा चला जाए वो तो अच्छा नहीं। नहीं नहीं तो फिर मैं उस बाबू जी को पानी दे आऊँ। जा। ए छोकरी ए मैं कहता हूँ ये पानी मत ले जा। हाँ मैं ले जाऊंगी। मैं कहता हूँ मारे धंधे को नुकसान मत कर। मारे धंधे को नुकसान? यह पानी मारो है। मारो है मैं अपने घर से ले आई। मैंने सब कुछ खरीद लिया है। मेरे घर का सामान भी खरीद लिया है। कानून मत तोड़ मैं जेल भिजवा दूंगा। जेल भिजवा दूंगा मैं कहती हूँ मैं ले जाऊंगी ले जाऊंगी ले जाऊंगी। अरे मेरे बाप मैं नौकरी मर गई। अरे कोई बचाओ। अरे भाई गुरु और नाल चंद कटे भी नहीं आना। भाई गुरु बचाओ 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 बिटिया को बचाओ 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 बिटिया को बचाओ। रानी मैं देख क्लास तुम गाने मैं देख क्लास तुम बिटिया बिटिया हो गया भैया। तेरी तरह सब आदमी हो जाएगा
तो राम राज हो जाए, घर में ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़े। सेठ जी, मगर घरों में ताले तो आप लोगों के कारण लगते हैं। आप ना हो तो काला बाजार ना हो, और काला बाजार ना हो तो चीजों के दाम कैसे बढ़े, और चीजों के दाम ना बढ़े तो चोरी कैसे हो, और चोरी ना हो तो ताले कैसे लगे। हाँ भाई बोलो सेठ जी। हाँ सेठ जी, आपका शुभ नाम? मैं नहीं बताऊंगा नसीब चंद। हाँ भाई सेठ, नसीब चंद। क्यों बेटा, अब ठीक हो ना? हाँ। बहन, उनका दोष हो तो मुझे क्षमा करना। बिटिया, बाबूजी आए हैं। हाँ। इन्हें धन्यवाद करो बिटिया, इन्होंने तेरी जान बचाई है। हाँ। धन्यवाद करो ना बिटिया। नहीं, उठो बेटी, चलो राम कपड़े बदल लो। चलो माँ। माँ, आज आप साग भात इस कुटिया का स्वीकार करो। जी नहीं, क्यों तकलीफ करते हैं आप? भगवान राम ने तितली के बेर खा लिए। अच्छी बात है, खा लेंगे। चलो बेटा। चलो माँ। अरे तू जानती है मेरे भैया का नाम भी राम है? हाँ। और ये भी जानती है जी, बिन्नी ने राम को बेर क्यों खिलाए थे? क्यों? इसलिए कि वो राम से प्रेम करती थी। कैसी है वो? कौन वो? गोई स्नान करें? बनते तो बहुत बड़े मजनू हैं आप। हुस्न बुला रहा है गोरी स्नान करे, मगर जब गोरी कुएं में गिर गई थी तो आप सिर्फ चिल्लाते ही रहे, छलांग क्यों नहीं लगा दी आपने? मेरी मजबूरी होगी। क्या मजबूरी है आपकी? क्या बताऊं तुम्हें, हट्टे कट्टे दिखते हैं आप। ये कहिए ना कि आप दूध पीने वाले मजनू हैं। दूधिया के बापू, 24 घंटा रोटी बगैर तो रह जाई हो, मगर पानी बगैर कैसे रही हो? यहाँ तो पानी के दाम लगत है। अरे भगवान, हम मजूरन का तो कुछ न कुछ काम करके गुजारा हुए है। कोई है? ए है कोई? अरे भैया जाओ जाओ, कुछ काम करके पैसा कमा लो। जाओ जल्दी। देखा, कुछ तो कैसी सेठ ने रख लिया और कुछ यहाँ काम पर लाग गए हैं। हम मजूरन का काम मुश्किल तो ये बाबू साहेब लोगन का है, जौन बेचारा खड़ अंग्रेजी के पढ़ने तो ना मेहनत मजूरी कर सकत है और ना अमीरन के तना पैसा हवे। शंकु कितना बीच में लटकत रहा थे। महाराज वाह, त्रिशंकु शब्द आपने सफेद पोश लोगों के लिए खूब इस्तेमाल किया है, न जमीन पे न आसमान पर, बस बीच में लटक रहे हैं। अरे हाँ भैया, त्रिशंकु तो है। सामान सामान। अच्छा बाबूजी, ये आई एम मिस्टर कपूर। आप? आई एम मिस सिंह, शीला सिंह। ओ मिस शीला सिंह, आप हमारे साथ चलेंगी? बहुत अच्छी पिकनिक रहेगी। मैं बाद में आऊंगी। तो जरूर आइएगा, प्लीज प्लीज। यस कम ऑन। अरे तेरे भैया को खाने में क्या अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा लगता है। सब कुछ? हाँ। दाल भात ही खा ली तू? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरे भैया बहुत अच्छे हैं। सखी, पहले भी उन्होंने किसी की जान बचाई थी? हाँ, एक दफा एक चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले से गिर गया था और उन्होंने उठा के रख दिया। सचमुच बहुत दयावान है तेरे भैया। देखो ना बिमला, जब मैं कुएं में गिरी थी तो बोले मजबूती से पकड़ रही हो, अब की फिसली तो नहीं निकालूंगा। तो बिमला, मैंने उन्हें कस के जकड़ लिया, कस के। बिमला, और कोई होता तो भी वो कूद पड़ते। अरे कोई और कैसे होता, तूने ही गिरना था, उन्होंने ही बचाना था, ये तो विधाता ने पहले ही से लिखा था। विधाता?
कोई है? जी हाँ, आप है? कोई है? जाइए हजरत, उसने फिर से बुला रहा है। निहायत बेशर्म जी आप। मैंने ऐसा क्या बुरा कहा है? जाओ खुशकिस्मत इंसान, हुस्न की खिदमत का एक और मौका मिल रहा है। हजरत मजनू, आप खुद ही क्यों नहीं तशरीफ ले जाते? कोई नौजवान ऐसा मौका छोड़ता? मेरी मजबूरियां हैं। जाओ जाओ मिस्टर, प्लीज। अरे भाई सुन लिया करते हैं ना, जाओ 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 ना। मेरा जीत है जी आप। अच्छा कोई है? थैंक यू। कहाँ जाना है आपको? वहां। चलिए आपको छोड़ा हूं। आखिर आप श्रेष्ठ लोगों का हमारे बगैर गुजारा नहीं। मतलब? तो उठाइए। पैसे की ताकत जरूर है आप में, मगर अपना बोझ उठाने की ताकत नहीं है आप में। आप एहसान क्यों जता रहे हैं? लीजिए। ये क्या? आपकी उजरत? मैंने उजरत के लिए आपका सामान नहीं उठाया था। तो फिर क्यों उठाया था? हमदर्दी के लिए। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, लीजिए। दो तीन मोटरों और चांदी के चंद सिक्कों ने आपका दिमाग खराब कर दिया मेम साहब। माफी मांगो। नहीं। माफी मांगो नहीं तो, माफी मांगो। बड़े खुशकिस्मत हो दोस्त, बड़े खुशकिस्मत हो। एक हुस्न बचाया जा रहा है, दूसरा थप्पड़ मार रहा है। ऐसे बकवास करते हैं, दूसरा मजाक उड़ाते हैं आप। मैं कहता था ना, मेरी मजबूरियां हैं। मुझे बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं, दुनिया में हर ताकत और कमजोर को मारता है। ऐसी बात तो नहीं है, वो लड़की मुझसे कोई ज्यादा ताकतवर तो नहीं थी जिसने अभी मुझे थप्पड़ मारा। उस लड़की के पास पैसा है, और पैसा तो सबसे बड़ी ताकत है दोस्त। हाँ ठीक है, मैं अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, चादर उड़ा दो। मुझे माफ कर दोगे ना? भूल जाओ। अब तो दो और दो को 22 समझने की कोशिश करोगे। ₹5 ला।
तू अमार बच्चो है। नैना, क्या समझती बहुत पैसे वाली, मेरे पास भी सात बीसियां है। मेरे पास भी सात बीसियां है। हाँ, सात बीसियां है तुम्हारे पास? हाँ। कितनी होती है सात बीसियां भला? इतनी? कितनी बोली हो नैना। अच्छा ये बताओ, तुमने उसे खूब मारा? हाँ मैंने उसे बहुत मारा। क्यों मारा? पर उसने बाबूजी को जो मारा था। नैना, कोई भी मुझे मारेगा तुम उसे मार दोगी? हाँ बाबूजी। क्यों? बाबूजी ने मुझे मरने से जो बचाया था। बच गई हो? क्या मतलब? उम्र ही ऐसी है, इस उम्र में लोग मौत को जिंदगी और जिंदगी को मौत समझते हैं। ए बाबूजी, ये तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा? ये तुम्हारे बाबूजी भी नहीं समझ सकेंगे। बाबूजी, तो फिर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था ना? फिर मैंने उसे बहुत मारा और फिर मैंने उसका बदला लिया। नैना, तुम क्यों ख्याल रखती हो इतना मेरा? सचमुच देवी है। हाँ बहुत भोली लड़की है। हाँ बाबूजी। क्यों? कि
अरे ये सब जेवर तेरे हैं क्या? हाँ बापू जी। हीरो। कमन हीरो, मुझे तुमसे बात करनी है। कमन। तुम्हारे शहर की औरतें मर्दों को किस तरह पकड़ लेती हैं? ये आजकल की सभ्यता है नैना। होती है। कृष्ण, मिस भाटिया, मिस द्रोणा, मिस भाटिया, बैठिए। मेरी दीदी कहाँ है? यस डार्लिंग, हीरो जिसने लड़की को बचाया था। माय हस्बैंड। अरे दिस सर, हेलो मिस बियर। नथिंग सर। हीरो बियर? जी नहीं। शैंपेन ले लिया? नहीं। आप शैंपेन नहीं पी? जी नहीं। हीरो विस्की? जी मैं शराब नहीं पीता। तुम शराब नहीं पीते? जी नहीं। कोई ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी आप? कुछ भी नहीं पीते हैं? मेरी बीवी तो मच्छी की तरह शराब पीती है। मेरा खामन तो बैरल है शराब का। सचमुच आप तो फरिश्ता हैं। सचमुच आप तो देवता हैं हीरो। ए मिस्टर, चले जाएगा। मिस्टर कपूर, मैं यहाँ खुद नहीं आया, आपकी बीवी लाई है मुझे। मगर मैं कहता हूँ चले जाएगा। ये आपकी जगह नहीं है। देखते नहीं हम ऊंचे दर्जे के पैसेंजर जहाँ बैठे हुए हैं? डार्लिंग, ऊंचे दर्जे के पैसेंजर? नो डार्लिंग, आई डोंट लाइक इट। आई सेड डोंट लाइक इट। नो डार्लिंग, चले जाओ, चले जाओ। अगर नहीं जाऊं तो मैं बता दूंगा कैसे जाना चाहिए। हां बताइए जल्दी कर। चलो डू इट। हां राम हीरो ब्रावो डार्लिंग डार्लिंग गेट अप डार्लिंग। कुछ भी तो नहीं हुआ है। मेरा रिवाल्वर कहाँ है? कहाँ है मेरा रिवाल्वर? मैं उसे गोली मार दूंगा। मिस्टर कपूर, ये लीजिए। हाँ? गोली मार दूंगा। गुड। चल। क्या है मान तुम भी? जब देखो झगड़ा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जवान बहन है, साथ में माँ है, झगड़ा करता ही रहता है। सुबह से तीसरी बार है झगड़ा कर चुका है। मगर माँ पहले उसने मुझे मारा था। मारा तो क्या हो गया, तेरा उनका मुकाबला? वो बड़े आदमी है। बड़े आदमी तो क्या, हम उनका दिया खाते हैं। पैसे जेब में नहीं अकड़ इतनी। ये तो नहीं हुआ कि जाके उनसे हाथ जोड़ मिन्नत करके मुझे कोई नौकरी दो। मारपीट करता है। नौकरी के लिए बेइज्जती करवाऊं? ये मुझसे नहीं होगा माँ। अच्छा तो फिर क्या होगा? शर्म तो नहीं आती? सब चीज बेच कर तुझे बीए पास कराए कि तू कोई काम कर, ये नहीं कि बेकार घूम और मारपीट करता फिर। तुम तो हमेशा ही डांटती रहती हो। चल चल ढंग चल। देखा कैसा मारा बाबूजी ने? उसने कहा फिर बाबूजी ने वो गिरा। अरे क्या हो गया पब्लिक तुझे? कुछ नहीं बाबा, तुम हो बाबूजी और मैं वो आदमी। कौन आदमी? वो ये आदमी और ये है मेरी जोरू। अरे तेरी जोरू? हाँ हाँ मेरी जोरू। तुम यहाँ? हाँ हाँ बात करो बात करो। ए तुम छोड़ा आदमी, हम बड़े लोग, इधर क्यों आया? हमारी जोरू से बात करता है, मारूंगा। मारो बाप। वो दिया तरो सत्यानाश बिजाय तरो, कत्ती जोर से मारियो मैंने। घनी जोर से लागे है? हाँ घनी जोर से लागे है, इधर भी लागे हो मैंने तो। ये बुढ़ी पैसे दे, पानी पीजिए। चढ़ दो पैसे दे पहले। अरे पीछा ला पहले। अरे चलो पैसे दो। हाँ चलो 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 भाग। अच्छा पहले पानी दो। चलो चढ़ दो पैसे दो। ये बुढ़िया पैसे दे। यार जाने में क्या चाहिए पानी? ए चल वो दूँ। हाँ काश है। अच्छा अच्छा ए चल 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 चल। धज धज निकली नार, सज धज निकली नार। देवी प्यास से कंस सूख रहा है, थोड़ा पानी पिला दो। बाजी मैं तेरे लिए थोड़ी लाई हूँ, मैं तो अपने बाबूजी के लिए लाई हूँ। नार सज धज निकली नार। अंदर
अरे बाबूजी, राम राम, बाबूजी, अरे बाबूजी, 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 मेरा गला छोड़ दो, गला, मुझे सेठ मिल गया बाबूजी, छोड़ दो बाबूजी, बाबूजी, अरे राम, 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 नैना, मेरे भाग में नहीं था, बाबूजी मेरे हाथ का पका हुआ खाते। कोई बात नहीं नैना, रोते थोड़े ही हैं। चलो उठो उठो। ये भाई पैसा तो छोड़ दो, चलो पैसा निकाल। पानी दूंगा जब पैसा दोगे। जय हो सेठ जी, भगवान को स्नान कराना है इसलिए कुछ जलदान हो जाए। अरे भगवान को स्थापित तो करो पंडित जी, मैं खुद स्नान करा दूंगा भगवान को। क्या धर्मात्मा है, क्या दानी है। हाँ भैया, काला बाजार करने वाले दान नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। जय हो सेठ। वाह काली शेरवानी वाले। सज्जनों, भगवान को स्नान कराना है इसलिए कुछ दान दक्षिणा। ये क्या शराब, राम राम राम। बाबूजी, भगवान को स्नान कराना है, कुछ दक्षिणा, कल्याण हो। माई कुछ दक्षिणा। लो पंडित जी। पंडित जी महाराज, भगवान को सचमुच स्नान कराना है या आपको प्यास लगी है, उसके पैसे चाहिए। भगवान की निंदा। हरे 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 हरे। राम, तुझे क्या हो गया है? घर की सारी चीजें बेचकर तुझे बीए पास कराया, नौकरी तो करता नहीं, लोगों से लड़ाई करता फिरता और भगवान का ही मजाक उड़ाता है। बार बार मुझे ताने मत दिया करो माँ कि तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया। पढ़ा लिखा कर तुमने मुझ पर मेहरबानी नहीं की, तुमने मुझसे बैर कमाया है। अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता, मुझ में इतनी समझ ना होती और मैं हमेशा इस धोबी की तरह खुश रहता। पढ़ लिख कर मुझे समझ आ गई है और मैं पूछता हूँ कहाँ है तुम्हारा भगवान, जबकि सब लोग प्यासे मर रहे हैं और सेठ पानी बेच रहा है। कहाँ है तुम्हारा भगवान जब इस भोली भाली नैना को गुंडों ने मारा, और कहाँ है तुम्हारा भगवान जब सब कुछ बेचकर तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया और अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही। क्या भगवान, भगवान मैं कहता हूँ, नहीं है भगवान, नहीं है भगवान, नहीं है भगवान। दुखी न हो माँ। देखो ना, नौकरी तो करता नहीं। नौकरी करता नहीं कि उसे नौकरी मिलती नहीं। जो दुख तुम्हें है ना कि उसे नौकरी नहीं मिलती और विमला का ब्याह कैसे होगा, यही दुख उसे भी सता रहा है। मगर सच मानना माँ, उसे कहीं भी थोड़ी सी उम्मीद नजर आई तो भगवान में उसका विश्वास लौट आएगा और वो हमेशा हंसता खेलता नजर आएगा। माँ उसे दिलासा दो, माँ दिलासा दो। बाबूजी, 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 हीरो आ रहा है, हीरो, मुझे माफ कीजिए। बाबूजी, 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 क्या है? क्या हुआ? कुछ नहीं। जाओ ना। माँ से झगड़ा करते हो, भगवान को गाली देते हो, नहीं जाती, जाओ। ओहो, तुम्हारी जान बचाकर तो मैं मुसीबत में आ गया हूँ। ये लेख तो विधाता ने लिखा था जी। विधाता ने ये भी लिखा था कि तुम मेरा सर खाओ। अब जाओ यहाँ से। माँ ने थप्पड़ मारा था तो क्या हुआ, कौन इतने बड़े हो तुम। चलो माँ को मना, देखो माँ रो रही है, चलो माँ को मना लो, उठो ना, मना लो, उठो।
नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाश वासं भजेहम। जय प्रभु जय प्रभु जय प्रभु जय भगवान। क्यों पंडित जी महाराज, दक्षिणा मिल गई ना आखिर? वाह, आजकल भगवान भी ऐसे पापियों से खुश होते हैं। राम कहे पापी? पापी तो तुम हो, सेठ जी पर तो भगवान की बड़ी दया है। वाह पंडित जी वाह, लो चार पैसे, कल्याण हो। अरे बाबूजी, आजकल भगवान भी खुशामद से बहुत खुश रहा है, तो वहीं तो सारी की सारी लक्ष्मी सेठ जी की तरफ भेजा थे। हाँ भैया ठीक कहते हो, भगवान पहले की तरह नहीं रहा जो गरीबों की सुना करता था, आजकल तो भगवान भी बदल गया है। देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई इंसान, कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। आई बोले शैतान। देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई इंसान, कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। भूखों के घर में फेरा न डाले, सेठों का हो मेहमान। ठीक है भगवान। बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। उन्हीं की पूजा प्रभु को प्यारी, जिनके घर लक्ष्मी की सवारी, जिनका धंधा चोर बाजारी। हमको दे भूख और बेकारी, इनको दे वरदान, कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई इंसान, कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। सुनकर इस पापी को तानो, सुनकर इस पापी को तानो, बदल न लीजो अपनो ठिकानो। हे भगवान मारो थारो प्रेम पुराणो, मारो थारो प्रेम पुराणो, हम है थैले तुम हो खजानो। भरते रहियो दास की झोली, देते रहियो दान, तुम्हारी जय जय हो भगवान, तुम्हारी जय जय हो भगवान। ओ, कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। धन वाले हैं बड़े मछंदर, सोने के बनवाए मंदिर, भगवान रहते इनके अंदर, खरी खरी कहता है कलंदर। अबे बंदर, मन बैठा है इस दुनिया में, धर्म से धन बलवान, कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई इंसान, कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। भूखों के घर में फेरा न डाले, सेठों का हो मेहमान, कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। जय भगवान जय भगवान, कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया जय भगवान जय भगवान। हरे राम हरे राम। आप लोग हे भगवान, हे भगवान, मेरे बेटे को क्षमा कर देना, क्षमा कर देना भगवान। क्षमा हर किस नहीं, भगवान की शक्ति धीरे धीरे पीसती है, मगर बड़ा ही बारीक पीसती है। नहीं नहीं पंडित जी, दया कीजिए। भगवान इसको तो गाढ़े पीस देना, मगर जल्दी से पीसना। अरे सेठ जी, वो बिल्कुल बच्चा है, बच्चा है। अच्छा दक्षिणा ले आना। दक्षिणा? क्षमा कर दो भगवान, लीजिए रख दो क्षमा। भगवान मेरे बाबूजी पर दया करना। बच के रहना भैया, बहुत गुस्से वाली हैं, कहीं थप्पड़ ना मार दें। ओह रे। सुनिए, मुझे लोग तंग कर रहे हैं। कौन तंग कर रहा है? कोई आवारा लड़के, मेरे साथ आप फोन तक चलिएगा, मुझे पानी पीना है, मैं पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं बेटी, पैसों क्या बात है, तुम मेरे साथ चल के बैठो, मैं तुम्हें पानी मंगवा देती हूँ। आओ। बैठो बेटी। बिमला इन्हें प्यास लगी है, जरा पानी लेकर आना। बेटी कुछ खाओगी? नहीं नहीं कुछ तो खाओ, वहां से पूरी ले आ। अब लोटा का पानी है, ले ले 5 रुपया। अरे ले जा जल्दी। कहाँ जा रही हो?
अरे वो है ना, वो लड़की जो माँ के पास बैठी है, उसके लिए कुछ पानी लाना है और पूरी। उसके लिए क्यों? उसने तो बाबूजी को थप्पड़ मारा था। लेकिन माँ ने कहा है, चलो ना मेरे साथ। अब बेटा तुम लोग तो बड़े आदमी हो और तुम्हारे पिताजी तो बहुत बड़े आदमी होंगे। मेरा एक लड़का है पढ़ा लिखा, उसकी नौकरी नहीं है, उसे बेटा कहीं नौकरी दिलवा दो। मैं कोशिश करूंगी। अरे तुम कोशिश करोगी तो जरूर हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी बेटी। कितना पूरी चाहिए? 16। आज 4 रुपए लगे। 4 रुपए और दिया। आज जाओ जाओ, काकी बहुत है, ला भाई तुम पूरी दे। भाई पूरी देना है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अरे भाई करते अरे पीछा निकाल, पीछा झगड़ो हो रही हो। दे दे पेट को, बोलो ना। पैसा पूरा निकाल, चार आना। हाँ बर्थ डे 2 3 देखते जाओ से, और ये 4। चलो 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 निकलो यहाँ से। जा भाई दूसरे को आंटे की नहीं। हम क्या देखते? ये लो माँ। ए जुमला, जा जरा अपने भैया को बुला ला, यही कहीं होगा। ये कहती है उसकी नौकरी हो जाएगी। अच्छा मैं जाती हूँ। अच्छा तू पानी निकाल ले बेटी। ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं कुछ नहीं, खाओ ना। नहीं नहीं अच्छा ले बस। नहीं मुझे भूख नहीं है। क्यों बेटा थोड़ा सा खाओ। नहीं मुझे भूख नहीं है। जरा इन्हें वाकई भूख नहीं होगी माँ, नहीं तो जरूर खा लेते। अच्छा यहाँ की दौलत यहाँ रहेगी, साथ नहीं ये जानी। बाबूजी, बाबूजी, वो लड़की है ना जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा था, वो माँ के पास बैठी और उसके लिए 4 रुपए की पूरी और 1 रुपए का पानी मंगवाया। तुम्हें माँ ने बुलाया, मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और मुझे भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ हाँ ठीक है, मुझे सिर्फ पानी दे। बिमला पानी। शुक्रिया। तो बेटा वो राम की नौकरी की बात मत भूलना, बड़ी मेहरबानी होगी। राम तेरी नौकरी छोड़ दो उस घास को। आप तो पैसे वाले हैं ना, तो जाइए पैसे वाले के पास, वहां जाके बैठिए। यहां क्यों आई हैं आप? जाइए। मेरी नौकरी के लिए तुम किसी के पांव को हाथ लगाओ मां, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मां। ऐसी जिल्लत से भूखों मर जाना अच्छा है। राम बस बस हा? तू ठीक कहता है, मैं क्यों किसी के पांव पड़ूं? मैं क्या किसी से कम हूं? चल कुछ खा ले राजा बेटा। बैठे बिमला, पूरी कहाँ है? कबीर जी आप भी आइए ना। मैं कैसे खा सकता हूँ माँ? मैं खिला दूंगी। हाँ हाँ ले पूरी दे, पहले पानी पी ले। बस चल मैं खिलाऊंगी। अंधेर नगरी की राजकुमारी, कुमारी इंदिरा। ये
क्यों बे गुंडे खीसा काटा ठीक है ठीक है ठीक है काटा चलो चलो दे दे मारी तरह से भी दो हाथ दे चलो तुम लोग मुझे मारते क्यों मैंने तो सिर्फ एक की जेब काटी है तो तुम लोग मुझे मारने लगे और ये मोटे पेट वाला दिन दहाड़े तुम सबकी जेब काटता है कुछ नहीं कहते अरे परखुरदार ये कानून की आड़ लेकर जेब काटता है और तुम कानून को हाथ में लेकर ये बच जाएगा और तुम मार खाओगे अंधेर नगरी अंधेर नगरी चौपट राजा ओ, अंधेर नगरी चौपट राजा अंधेर नगरी चौपट राजा जिस मोल भाजी उस मोल खाजा उस मोल खाजा हो अंधेर नगरी चौपट राजा अंधेर नगरी चौपट राजा राजा जी ने कुछ हाथी और कुछ घोड़े हैं पाले इन्हें न कोई फिक्र न चिंता ये हैं महलों वाले इनके राज में पड़ गए हमको अपनी जान के लाले दोनों हाथों लूट रहे हैं काले धंधों वाले जिस मोल भाजी उस मोल खाजा उस मोल खाजा हो अंधेर नगरी चौपट राजा अंधेर नगरी चौपट राजा हो तो श्री मान जी अर्ज सुनो एक मोहरी कौन नगर से आए हो तुम कौन जात है तोहरी इनका गोत ना पूछो भैया इनकी जात ना पूछो कैसे कटते हैं इन लोगों के दिन रात न पूछो किसी कौम या किसी देश के वो ये रहने वाले इन जातों की नस्ल एक है गोरे हो या काले बाहर से है रूप अलग पर अंदर से एक जैसा दांत है सोना गोत है चांदी धर्म है इनका पैसा होए धर्म है इनका पैसा होए धर्म है इनका पैसा होए धर्म है तेरा पैसा अरे चुप मारी तो सुनो भाई मारी तो सुनो कालो धंधो जो कर तो हो उसका सत्यानाश मैं हूँ सारे जग का सेवक मैं हूँ शव का दास आनो देकर पानी ले लो जिसको लगी हो प्यास मैं न पूरी तलू तो बोलो खाओगे कहीं घास हर माल सस्ता हर माल ताजा भाग यहाँ से और किसी पर डालिए अपना जाल जान चुके पहचान चुके हम हर एक तेरी चाल पानी बेच के पुण्य कमाए तो हरे माँ के लाल चाल कैसे चाल अंधेर नगरी चौपट राजा अंधेर नगरी चौपट राजा सुनो हमारी बात ओ बंधु छोड़ो ये तकरार इस संसार में हर वस्तु का होता है व्यापार आटा दाल और चावल बेचें सारे साहूकार
जड़ी बूटियां शरबत बेचे वैद हकीम अतार बल बेचे बल वान जगत में शर बेचे शरदार अमन के रक्षक कौ में बेचे जहरीले हथियार तो फिर मैंने पानी बेचा तो क्यों इतनी हाहाकार मैंने जो पानी बेचा तो क्यों है इतनी हाहाकार अंधेर नगरी चौपट राजा अंधेर नगरी चौपट राजा जिस मोल भाजी उस मोल खाजा उस मोल खाजा हो अंधेर नगरी चौपट राजा अंधेर सरकारी खुशी को तो मत तोड़ो स्टेशन मास्टर कहाँ है मास्टर आप बुला के लाता मालूम होता है आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है देखिए मेम साहब आपको गलतफहमी हुई है मैं राजा साहब की बेइज्जती थोड़े कर रहा था मैं तो असली रूप में उनका परिचय करा रहा था आपकी जबान बहुत चलती है मिस्टर ठीक तो है गरीब की जबान चलती है और अमीर के हाथ याद है ना अभी तक हाथ चले कहाँ है चलेंगे शायद मतलब तब पता चल जाएगा जब तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होगी वो तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा अरे वाह वाह मेम साहब शुक्रिया नौकरी ना होने की वजह से मेरी माँ पहले ही मुझ पे चिड़ी हुई है और बेकारी से मैं भी कुछ तंग आ गया हूँ जेल में दो रोटियां तो आराम से मिल जाया करेंगी चक्की भी पीसना पड़ेगी फिर तो और भी ठीक है काम भी मिल जाएगा मेम साहब अगर कर सकती है तो ये मेहरबानी मुझ पर जरूर कीजिएगा अरे ये क्या कुर्सी रखने की जगह है मैं तो कुर्सी वहाँ रखता हूँ यहाँ कैसे चली जाती है तुम जगह है जी बाबूजी ये इन साहब की मेहरबानी है महाराजा साहब की तस्वीर ले जाते हैं उनकी बेइज्जती करने के लिए क्यों मिस्टर आप कहाँ थे उस वक्त जी जी मैं धमकी तो आप ऐसे देती हैं जैसे आप ही राजकुमारी हो बाबू जी आपका सिग्नल अच्छा R E W A R D reward 10000 10000 इनाम राजकुमारी गायब आपको कैसे मालूम हुआ मेम साहब आपने मुझे बुलाया था ना क्यों यंग मैन क्या बात है बाबूजी राजकुमारी मिल जाए तो 10,000 रुपया चल पगले यहाँ पर राजकुमारी क्यों आएगी जंगल में राजकुमारी मिल जाए तो 10,000 रुपया राजकुमारी मिला दे 10,000 दिला दे रुपया 10,000 दिला दे पागल हो गया लगता है क्यों में अकियां डाल के हो भैया क्यों में अकियां डाल के माँ 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए किस लिए 2 रुपए के 10,000 बनेगा माँ जल्दी करो ये 10,000 कैसे बना रहे हो किसी को बताना नहीं ना जल्दी निकालो माँ पर बेटा मेरे पास 5 रुपए थे वो तो खर्च हो चुके खर्च हो गए अच्छा माँ मैं बंदोबस्त करता हूँ समीर सुनो भाई साधो नैन मोरे हर लिए अखियां मिला के नैना मिला के अखियां मिला के नैना मिला के हो रामा नैना मिला क्या बात है कभी इसमें क्या लिखा है कुछ नहीं माँ वो लड़की थी ना वही जिसे आप पूरियां खिला रही थी हाँ, हाँ। वो यहाँ की राजकुमारी है राजकुमारी राजकुमारी देख लिया ना माँ
पैसे मिलने की उम्मीद से ही राम कितना खुश है। हे भगवान, ये 10,000 मिल जाए तो मेरे सब दुख दूर हो जाएंगे, कभी मेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। हे भगवान, हे भगवान। सेठ जी, मुझे 2 रुपए चाहिए। काई? 2 के 10,000 बन जाएंगे। 2 के 10,000? हाँ। काई ठीक बोले काई? अरे कसम से ठीक बोलता हूँ। तो फिर मारो इश्यो। हिस्सा? और नहीं तो फिर काई? मारी रकम नहीं लगेगी काई? अच्छा तो कितना? आधा आधा और काई? आधा आधा। जाओ काई, मकाई गई हूँ। अच्छा सेठ जी, आपके 30 मेरे 70, मारे 40 ने फारे 60, मंजूर? हाँ मंजूर है। शाबाश। तो दीजिए 2 रुपए। 2 रुपया? हमारी रकम की जमानत कहीं? अरे भाई मेरा और आपका तो हिस्सा है। अरे हिस्से हुए तो कहीं हो, पेशा लेने भाग गए तो फिर? अच्छा बाबा, ये मेरी घड़ी है, ये आप घड़ी ले लें। अब बात बनी ना। निकालो 2 रुपए। या ले 1 रुपया 4, 8, 12, 20, 14 रुपया 14 आना। अरे मैंने तो 2 रुपए के लिए कहा था। अरे तो आना ब्याज का हो गया, माथा मत खा। पले तारो ज्ञान किधर है? अरे मारी कारीगरी तो देख, 2 रुपया में 100 रुपये को माल। लथा रे हाथ में बांध दो। कहीं गलती हुई रही है या तो पाकिट की है? ले संभाल के रख ले। शाबाश। राजकुमारी मिला दे, राजकुमारी मिला दे, 10,000 दिला दे रुपया, राजकुमारी मिला दे, राजकुमारी मिला दे, 10,000 दिला दे, 10,000 दिला दे रुपया, राजकुमारी मिला दे, राजकुमारी मिला दे, 10,000 दिला दे रुपया, 10,000 दिला दे, राजकुमारी मिला दे, राजकुमारी मिला दे, राजकुमारी मिला दे, 10,000 दिला दे, 10,000 दिला दे रुपया, 10,000 दिला दे, 10,000 दिला दे रुपया, राजकुमारी मिला दे, राजकुमारी मिला दे, राजकुमारी मिला दे। किसी की कोई चीज गुम गई हो, किसी की कोई चीज गुम हो गई हो, तो बता दो हम दे देंगे। किसी की कोई चीज गुम गई हो, बता दो हम दे देंगे, किसी की कोई चीज। मिस्टर, चले जाओ ना यहाँ से, तुम क्यों कर रहे हो? मैं तो गाना गा रहा हूँ मेम साहब, अगर आपको पसंद ना हो तो खिड़की बंद कर लीजिए, मैं तो गाऊंगा। किसी की कोई चीज गुम हो गई हो। मेरे भाई यहाँ पे चश्मा। ए यहाँ पे चश्मा मेरे को, वो मेरा हाथ हो, ये टूट गई है। I'm sorry. क्या हो जाता है मेम साहब आपको? मैं तो आपको चश्मा देने आया था। मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? हटाइए, माफ किया आपको। मुझे भी माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको पानी नहीं पीने दिया था ना, पानी पीजिएगा। पूरी है? 8 पूरी देना। 8 पूरी पीसा है।
अरे तुम पूरी तो दोनों पहले पहले कहीं गड़बड़ है, पैसा तो पास में है, कौन पूरी मांग रही है। अरे मेरी घड़ी तो तुम्हारे पास है ना? हाँ हाँ घड़ी आला तारी तो उसके पास में दे दो ना, कभी आज पड़ेगा ले लेना रुपया पे चार आना मंजूर। जल्दी आठ पूरी बांध कहीं कर रहे है, जल्दी करो पूरी दो जल्दी भाई भाई हो गया। आप खाइए उदैया, तुम्हारे शहर में मर्द औरतों का झूठा खाते हैं जी? और ले आऊं? तुम भी खाओगे? नहीं भैया। घर के खाने से इतना लुत्फ नहीं आता जितना इस खाने में आ रहा है। अब वाकई आपको भूख लगी है, देखा आपने, खाने के लुत्फ का ताल्लुक तरने वालों या रूखी सूखी रोटी से नहीं भूख से है। भगवान ने आप अमीरों को खाने को बहुत दिया है मगर भूख गरीब को दी है ताकि खाने का मजा ले सके। अजब रंग है भगवान के। ये लीजिए बाबूजी, तुम्हारी उस लड़की से सुलह हो गई? हाँ नैना। बाबूजी, मगर उसने तो तुम्हें थप्पड़ मारा था। ठीक है नैना, तुम नहीं समझती हो। बाबूजी, क्या बात है बोलो। सर मत खाओ नैना। अब पानी पियेंगे। चलिए। पैसा दो दो चेक करो। चलो पैसा सेट करो। पानी देना था। अरे अरे कहीं कर रहे हैं, गिलास को झूठो कर रही है कहीं, हाथ से थी हाथ से। हाथ से? हाँ हाँ ऐसे ऐसे नहीं, यहाँ देखिए ना ऐसे। अरे भाई हटो ना, हमको भी पानी लेने दो। अरे जल्दी करो बाबू साहब, गिराकी को टाइम है। अच्छा अब पानी डाल। डाल भाई डाल, जल्दी डाल पानी। बाबूजी का हाथ काट रही हूँ। नैना मैंने क्या किया है जी, बाबूजी ने मुझको डांट दिया, वो पानी तो पी नहीं रही थी, बाबूजी का हाथ काट रही थी। तुम बहुत भोली हो। बाबूजी इतना बदल क्यों गए जी? पैसा बहुत बड़ी चीज है नैना जी, तेरे बाबूजी को पैसा चाहिए। वो लड़की बाबूजी को पैसा देगी? हो सकता है। सात सौ पंद्रह, पंद्रह दस पच्चीस, दस पैंतीस, पाँच चालीस, पाँच पैंतालीस, पाँच पचास, सात सौ पचास। अरे तुम है ना पुकट में पड़ गई। अरे वाह वाह वाह, एक दो तीन चार पाँच, या पांच मुनाफे को फिर याद करते हैं। सौ रुपये घर जा, एक सौ पांच तो दिन को मुनाफो, अभी तो रात बाकी है। अरे मैं सच कहताऊँ तू तो लक्ष्मी है लक्ष्मी, वाह वाह गड़ी नसीबदार है, मैंने तो तीसरी जो रूप ली है। ये घड़ी छुपा। अरे अरे ये घड़ी तो बाबूजी की है। अरे मारिए मारिए, रोकड़ो दियो है रोकड़ो। बाबूजी की है, ले भगवान रख ले। अब नहीं चला जाता। उठा लो। उठा सकोगे? उठा लो। उफ, 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 उफ।
गए हो? थैंक यू. बैठ होते. क्या ये लड़की तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है? मैं अभी आता हूँ. क्या है ना, तुम हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो. कुछ भी तो नहीं, मैं तो. जल्दी कहो ना, क्या कहना चाहती हो? ये पैसे लाए हैं. 7 पीसिया है. जाओ नैना, मुझे नहीं चाहिए. नहीं चाहिए? मगर तुमने तो घड़ी सेठ को दी है. वो और बात है नैना. और क्या बात है जी, कभी कहता था वो लड़की तुम्हें पैसा देती है, मुझसे ले लो ना जी. वो लड़की तो तुम्हें अच्छी नहीं लगती थी. सर मत खाओ नैना, अब जाओ यहाँ से. बाबूजी, अब वो लड़की तुम्हें अच्छी लगती है? सवाल पूछ पूछ कर तुमने मेरा नाक में दम कर दिया नैना. जाओ यहाँ से, जाओ ना. बड़े खुश नजर आते हो दोस्त. अरे कवि, तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं. वो राजकुमारी है ना, वो मुझसे. ये तो मैं बहुत पहले से ताड़ चुका हूँ. अच्छा, अब मैं भी एक खुशखबरी सुनाऊं. नैना तुमसे प्यार करती है. अरे नैना को राजकुमारी से मिला रहे हो? मैं कहाँ मिला रहा हूँ, मैं तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नैना राजकुमारी से कहीं बढ़ चढ़ कर तुम्हारे लिए होगी भैया, मगर हमारे लिए तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू, कहाँ गंगू. राजकुमारी हमसे प्यार करे भैया, ये तो मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है. इसे तुम खुशकिस्मती क्यों समझते हो? अरे नौकरी मिल जाएगी, बहन का ब्याह हो जाएगा, सब मुसीबतें टल जाएंगी. मोहब्बत कर रहे हो या सौदा? इसमें सौदे की क्या बात है, देख ही तो रहे हो कि पैसा ही जिंदगी है, पैसा इज्जत है, पैसा सब कुछ है. तो फिर तुम दो और दो चार कहने लगे. राम, राजकुमारी के प्यार में एक हिर्स है, त्याग. अगर त्याग ही करना हो ना भाई साहब, तो इंसान हमारी एक चोटी पर चला जाए. ये दुनिया पैसे वालों की है, यहाँ पैसा चाहिए भैया. तो तुम राजकुमारी को इसलिए प्यार कर रहे हो कि वो दौलतमंद है, और नैना के प्यार को इसलिए ठुकरा रहे हो कि वो गरीब. मगर याद रखो राम, जीत एक दिन गरीब की होगी. वो एक बहुत बड़ा दिन होगा भैया, और मुझे दिली खुशी होगी. बहुत देर लगा. हाँ चलो यहाँ से चलते हैं. कहाँ? कहीं और चलते हैं. नैना, नैना. बाबूजी तो मुझसे पैसा नहीं लेते. हाँ नैना, मैं तो 7 बीसियां लेके गई थी. पगली, 7 बीसियां होता कितना है? उसे तो हजारों बीसियां चाहिए. 1000 बीसियां कितना होता है जी? जमीन से आसमान तक, और उसे वो लड़की दे सकती है. तब तो बाबूजी मेरे नहीं होंगे, वो तो उस लड़की. हाँ नैना, आजकल तो मोहब्बत भी खरीदी जाती है. Thank you.
बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा बाजार में आखिर चाहत भी व्यापार बनी दुनिया के बाजार में आखिर चाहत भी व्यापार बनी तेरे दिल से उनके दिल तक चांदी की दीवार बनी चांदी की दीवार बनी बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा के भाग में लिखा ताहत का वरदान नहीं के भाग में लिखा चाहत का वरदान नहीं जिसने हमको जन्म दिया वो पत्थर है भगवान नहीं वो पत्थर है भगवान नहीं वो पत्थर है भगवान नहीं बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा शिवम राम नारायणम कृष्णदामोदरम के इस उजड़े मंदिर को शायर का दिल शाद है हमरी तरह भगवान का घर भी सुना और बर्बाद है वाह वाह कवि जी वाह 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 ये नास्तिक लोग कहते हैं थारो घर बर्बाद है मैं सच कहता हूँ मुरारी जो गाड़ी 24 घंटे और इधर मुकाम कर जावे तो मैं थारो पक्को मंदिर बना दूंगा पक्को मंदिर क्यों पंडित जी वाह वाह जी वाह भगवान सेठ जी की बात मान लो तुम अपना घर बनवा लो क्या मजाक कर रहे हैं कवि जी यहाँ तो पहले ही अपनी जान के ऊपर बनी हुई है अगर गाड़ी 24 घंटे और रुक गई तो हमारी तो यहाँ से लाश ही नाती नजर आएगी तो क्या बात है भैया हम लोग तो रो पीट के गुजारा कर ही लेते हैं अरे भगवान का घर तो बन जाएगा मैंने तो पूरी गाड़ी में एक ही समझदार दिखे भगवान हम सब तो मूर्ख है तुम सेठ जी की बात मान लो अपना घर बनवा लो बोलो भाई सेठ नसीब चंद जी की अरे भाई बोलो ना सेठ नसीब चंद जी की जय हां भजो राम 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 छप मत बारी थोड़ी सुरती प्यारी तोरी भाग गई मोरे जी को राम भाग गई मोरे जी को
दूसरों के साथ नाच करना मुझे पसंद नहीं है। पहले सजा पहले देते हो, जुर्म बाद में बताते हो। चलो अच्छा ही हुआ, ये तो पता चला कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। देखो तुझे कितनी जोर से मारा तुमने मुझे। लो कभी माँ, इसमें तो रेत है। हाँ माँ है रेत। थूक दो थूक दो। मत खाओ, उसमें मिट्टी मिली है। मैंने एक की जेब काटी तो तुम सबने मिलके मुझे मारा, और वो मोटे पेट वाला तुम सबको ये मिट्टी खिला रहा, उसे कुछ नहीं कहते। भैया जी मुझे क्या देखते, चलो 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 निहाल चंद। हाँ नसीब चंद, यो कहीं गड़बड़ है। अरे होगा कुछ गड़बड़ बाबू। अरे बाबू, अरे भैया बाकी को आदमी कटे हैं। चेक अभी बुलाता हूँ मैं, चेक अभी बुलाता हूँ। कहीं तू तो ठहर। चेक अभी बुलाता हूँ मैं, चेक। अरे हमारा बाप ये भैयो भी गयो। अरे निहाल चंद जी खेत बैठे जा रहा हूँ। अरे बाप हमारे कहीं होएगो। कभी राम इस लड़ाई में जरूर होगा। नहीं माँ, राम पैसे के फेर में पड़ चुका है, अब वो आराम से होगा। मुड़ी में मिट्टी मिलाता है और पूछता है काई बात। अरे हमारी बात तो सुनो। सुनाओ हमारी बात तो सुन। बोलो। आदमी पूरा मट्टी को बनो है कि नहीं? बनो है कि नहीं? तो फिर पेट में थोड़ी सी मट्टी चली गई तो काय हुए हो? तो हाँ भाई, उसको भी मिट्टी में मिला है। अरे भी नहीं को रोती है तू कहीं समझे मने मार पड़ी है। अरे थारी नजर में मैं बुड्ढो दिख रही हूँ, पर या तो हमारी बदनसीबी है। तू उधर होती तो मारो कमाल देखती, मैं भी दो आदमी के। काई नहीं काई नहीं, एक पड़ी है एक। खून क्यों है? तो यो काई मारो थोड़ी है, सब उनको भी मिक्स हुई क्यों है? अठे अठे भी एक पड़ गई है रकम बचाने के वास्ते। या देख
मैं भी अट्टी में से रकम नहीं छोड़ी। अरे बाप, तने तो रकम की पड़ी, मने तारी बिगड़ पड़ी। अरे ताई बात करे, चमड़ी चाहे पर तमड़ी नहीं चाहे। या देख कत्ती रकम है, मारो जो इलाज तो दुई पेशा की हल्दी में हुई जाएगो। जा जल्दी से हमारे वास्ते हल्दी लिया, थोड़ा गर्म पानी भी और शेकने का बंदोबस्त कर दे। तीन बज चुके हैं। वक्त क्यों देख रहे हो? रात बीती जा रही है, पता भी न चला। राम, मेरा हाथ पकड़ के छोड़ तो नहीं दोगे? मैं? हाँ, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मगर तुम? कभी भी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं छोड़ूंगी। बता रहा, एक बात कहूं तुमसे, खफा तो ना हो जाओगी? तो फिर ना कहो, कहीं तो पड़ेगी। अच्छा, तो जल्दी से कह। डरता हूं कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो। तो कुछ और बात कहो। मैं जानता हूं कि तुम राजकुमारी हो और मैं महाराज साहब को तार भी भेज चुका। ये तुमने क्या किया? गलत ना समझो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। पैसों के लिए? तब तो हमारे दिल अपने अपने बस में थे। वो कभी भी आते होंगे? हाँ। ओ, तुम्ही से सपने बांधे थे और तुम्ही ने तोड़ दिए, अब क्या करें? मुझे क्या पता था कि मैं इतना खुश नसीब हूँ कि राजकुमारी मुझसे मोहब्बत करती है। राम, चलो यहाँ से भाग चले। कहाँ? जल्दी से इस रियासत के हाथ से बाहर। मगर मेरी माँ और बहन? उन्हें भी साथ ले चलेंगे। भाग कर जाएंगे भी कहाँ, मेरे पास नौकरी तो है नहीं, मैं उनका पेट नहीं पाल सकता। और तुम? मैं नौकरी करूंगी, जब तक तुम्हें नौकरी मिले मैं नौकरी करूंगी। न जाने मुझे कब नौकरी मिलेगी, और तुम नौकरी करो और मैं बैठ के खाऊं, ये मुझसे गवारा नहीं होगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा राम, मोहब्बत खिलने से पहले मुरझा जाए, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कर भी क्या सकता हूँ, क्या करूँ मैं? मैं कुछ भी तो नहीं कर सकता, मैं अपनी माँ की उम्मीदें पूरी नहीं कर सकता, मैं अपनी बहन का ब्याह नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। अगर है तो भूख, अफलास, बेकारी और नाकामी। मुझे मोहब्बत करने का हक ही क्या है? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और शायद मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मगर इसका अंत क्या होगा? जुदाई, नाकामी और कुछ भी तो नहीं। राम, एक तरकीब है, महाराज साहब के आने से पहले अगर हम ब्याह कर लें तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मैं अपनी माँ से पूछूंगा। जरूर मना लेना, उसकी सब उम्मीदें पूरी हो जाएगी, तुम्हारी बहन का ब्याह हो जाएगा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, ठीक है ना? हाँ, अच्छा चलो। मैं ना क्या कर रही हो? दुखी जिया भगवान के चरणों में ही सहारा लेता है। कभी आपका लेख विधाता जन्म से लिख देते हैं ना? हाँ नैना। तो फिर जिया दुखी क्यों होता है जी? इसमें तुम्हारा दोष है नैना। मेरा दोष? प्रेम करके प्रेम पाने की इच्छा कर रही हो ना? तो मैं क्या करूं? कर्म करो, फल की इच्छा ना करो नैना। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है नैना, सिर्फ अपने आप को समझाने की कोशिश करो। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। सच्चे प्रेम में त्याग तो करना ही पड़ेगा ना नैना? नहीं नहीं। तुम चलो,
नहीं चाहती। कहाँ नैना? वो आ रहे हैं, वो लड़की बाबूजी के साथ, उसे सहार दी जाता। कमजोर ना बनो नैना, मैं रो दूंगी कभी। तुमने अभी कहा था ना कि भाग्य का लेख विधाता जन्म से ही लिख देते, इसे समझने की कोशिश करो नैना। तुम क्या चाहते हो? त्याग लेना, नहीं तो तुम्हारा प्रेम कमजोर पड़ जाएगा। अच्छा, अगर मैं रो दूं तो मुझे छिपा लेना, मैं नहीं चाहती कि बाबूजी मेरे आंसू देखें। अच्छा, अरे भाई रात के 3 बज गए और तुम दोनों अभी तक जाग रहे हो। तुम भी तो जाग रहे हो, पर सिर्फ इतना है कोई खुश होकर काटता है और कोई रोकर गुजारता है। कभी तुम हमेशा मुझे ताने देते रहते हो। मैं तुम्हें ताने देता हूँ रात? अच्छा कभी जरा इधर तो आओ, तुमसे एक बात करना है। ऐसी कौन सी बात है जो तुम नैना से छुपा कर कहना चाहते हो? कहो ना। बात यह है कवि कि मैंने और इंदिरा ने ब्याह करने का फैसला कर लिया है। कब? अभी? तुम्हारा ब्याह हो रहा है? ये तो खुशी की बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है ना कवि? जाओ जाओ राम, माँ से तो इजाजत ले लो। जाओ ना, माँ से इजाजत लो, जाओ। नैना, नैना। माँ, माँ, क्या आराम संग करता है? माँ, मैं राजा बनने वाला हूँ। क्या? क्या पागलों से की बात करता है राजा? माँ, वो जो राजकुमारी है ना, वो मुझसे शादी करना चाहती है। अरे, है? हाँ। राम, तो सचमुच राजा बनने वाला है? हाँ माँ, फिर हमारे पास बंगले होंगे, मोटरें होंगी, कारें होंगी। अरे वाह! नहीं नहीं माँ, ये मैं सपना देख रही हूँ। सपना? अरे सुनो माँ, माँ उठो। अरे सपना नहीं, सच है। मेरे पास मोटर होगी, बंगला होगा। हाँ माँ, तो आगे दे दो। हाँ दे दिया, आज्ञा दे दिया आज्ञा। तो करो ब्याह की तैयारी। हाँ करो करो करो। हाँ तो उठो ना, जल्दी करो। उठो, क्या करूँ जल्दी? ब्याह की तैयारी। हाँ तो बेटा ये घर पहुँच के होगा ना? अरे नहीं माँ, अभी होगा, यही ब्याह होगा। यहाँ ब्याह होगा? हाँ। ये कैसे हो सकता है बेटा, लड़की को भगा कर तो नहीं लाए हैं। तो दूल्हा बनेगा, बारात चढ़ेगी, लड़की का बाप कन्या दान देगा, आखिर बारात किसके घर जाएगी? मेरे घर में बारात आएगी, मेरे बाबा कन्या दान करेंगे, मेरे घर में ब्याह होगा। नैना, कभी तुमने तो कहा था क्या, मेरे दर पे तुम बारात आएगी, मेरे बाबा कन्या दान करेंगे, मेरा नसीब। नैना, अच्छा नैना, बिमला को ले जाओ और इंदिरा को तैयार करो। जाओ नैना, जाओ जाओ जाओ। एक बात याद रखना मेरे भाई, जब मोटरों में बैठो और तुम्हारी मोटर के सामने लाल बत्ती हो और तुम्हारी हिफाजत के लिए आगे पीछे पुलिस हो, तो ये कभी मत भूलना कि तुम भी हम त्रिशंकुओं में से एक हो। घबराओ नहीं जी, मैं लड़ने नहीं आई, मैं तो तुम्हें ब्याह के लिए तैयार करने आई हूं। आओ ना विमला। माता जी मान गई? माता जी ने इनकार ही कब किया था। चलो ना जी, तैयार हो जाओ जल्दी। कहाँ चलना होगा? मेरी कुटिया में। ब्याह तुम्हारे घर होगा? मैं जानती हूँ मेरी कुटिया तुम्हारे योग तो नहीं है, लेकिन फिर भी। नहीं नहीं ना, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें तकलीफ? तकलीफ? बाबूजी का ब्याह मेरी कुटिया में हो, ये तो मेरा सौभाग्य है, फिर तकलीफ का है? देखो ना बिमला, ये क्या कह रही है। हाँ हाँ, नैना को भैया के ब्याह की बहुत खुशी है। अरे पगली, बाबूजी के ब्याह पर मैं खुश ना हूँ? चलो जी तैयार हो जाओ जल्दी। ब्याह पर कौन सा जोड़ा पहनोगे तुम्हें बताओ? तुम बता बिमला। ये अच्छा है, मुझे तो ये अच्छा लगता है। तो अच्छा, तुम दोनों ये पहन लो जी। हाँ हाँ पहन लो ना, तुम पहन लो बिमला। और तुम? हम गरीबों को ये कपड़े क्या अच्छे लगेंगे? नहीं नहीं ना, बहुत अच्छे लगेंगे। पहन लो ना। नहीं, मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं जी, देखो मेरा दिल ना तोड़ो। अच्छा जाओ ना, कपड़े बदल लो।
मैं ना सुंदर, अति सुंदर, तीनों एक जैसी। एक जैसी तो है, क्या फर्क है? भाग्य, एक धनवान है, दूसरी त्रिशंकु और नैना गरीब। बाजी, ये लेख तो विधाता ने लिखा है। विधाता ने नहीं नैना, विधाता ने तो तुम तीनों को एक जैसा बनाया है। अमीर गरीब तो इंसान ने बनाए हैं। अच्छा अच्छा जी, चलो। समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हवीषा विधेमहे। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः।
महाराज अधिराज जा से पहले आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। चलिए। महाराज जी राज पहले आपसे मिलना चाहते हैं। पधारिए। ओ हमारी बच्ची, तुम्हें फिर से पाकर हमें बहुत खुशी हुई। इसी तरह ना, जैसे शिकारी जाल से निकले हुए पंछी को फिर से कैद करके खुश होता है। ओ, तो तुम हमसे नाराज हो? नाराज तो हमें तुमसे होना चाहिए कि हमारी इज्जत की परवाह किए बगैर तुम महल से चुपके से निकल आई। और अब आपकी इज्जत बचाने के लिए ही मैं अपने ब्याह मंडप से आपके सिपाहियों के साथ चली आई हूँ। तुम्हारा ब्याह हो रहा था? जी। ये तो अच्छा ही हुआ कि हम वक्त पर पहुंच गए, नहीं तो नहीं तो हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से महरूम हो जाते। हम अपनी इकलौती बिटिया की शादी में भी शरीक न हो पाते। तो फिर चलिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। मगर बिटिया, हमें इतना तो बता दो कि आखिर हम अपने जिगर का टुकड़ा किसके हाथों सौंप रहे हैं? आप जानना क्या चाहते हैं? क्या नाम है? राम। राम जी। हमारे पास जो तार आया था उसने भी शायद यही नाम था। जी। तो तुम जानती हो कि तार उसी ने भेजा था? जी। क्यों भेजा था? तब हमारे दिल अपने अपने बस में थे। ओ, मैं समझा। तो उसे तुमसे तब प्यार हुआ जब उसे ये मालूम हुआ कि तुम राजकुमारी हो? क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि वो तुमसे प्यार करता है या राजकुमारी से। मैं खूब समझती हूँ आपका मतलब। आप सोचते हैं कि वो मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करते हैं। आप खुद अपनी बेटी की तोहीन कर रहे हैं। तोहीन नहीं कर रहा बिटिया, सोचता हूँ जवानी जज्बात के रौ में बह जाती है और बुढ़ापा अकल से काम लेता है। ठीक समझो तो बुलाकर पूछूं? बेशक, मगर देखिए, अगर आपने धमकी देकर अपनी बात मनवाना चाहे तो मेरी लाश ही पाइएगा। हम क्यों धमकी देने लगे? अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो खिड़की के बाहर खड़ी रहकर अपने कानों से सुन सकती हो कि तुम्हारा राम कैसा है। आपका अंदाजा गलत होगा। हमें सचमुच खुशी होगी। राम को हाजिर करो। पधारिए। आओ आओ। आओ बैठो, बैठ जाओ। हाँ। राम तुम्हारा ही नाम है ना? जी। वो तार भेजकर तुमने हम पर बहुत एहसान किया। जी नहीं, तुम्हारी मदद से हमें राजकुमारी मिल गई। ये रहा तुम्हारा इनाम। मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। हम इस इनकार का मतलब नहीं समझे। जी, मगर अब मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपसे बाप की शफकत चाहिए। ओह, हमसे बड़े भूल हुई। तुम तो इससे पहले कहीं बड़े इनाम पर कब्जा कर चुके हो। अब इन 10,000 रुपयों की हकीकत ही क्या है? जी, आपका मतलब? यही कि दिल की दौलत से बढ़कर और कौन सी दौलत हो सकती है दुनिया में। अच्छा राम, ये तो बताओ, करते क्या हो?
जी अभी तक तो कुछ नहीं करता, उम्मीद है जल्दी कोई नौकरी मिल जाएगी। और अगर मिल गई तो कितने तक की, मेरा मतलब है तनख्वाह वगैरह का कुछ अंदाजा है? जी यही कोई 50-60 रुपए माहवार। मगर इतने में तो गुजर होनी मुश्किल है, और फिर राजकुमारी से शादी कर रहे हो, इतने रुपए रोज का तो उसके फूलों का ही खर्चा है। बुरा न मानना राम, हम तुम्हारे भले की ही कह रहे हैं। अच्छा राम, अगर शादी के बाद हम तुम्हें एक अच्छा सा ओहदा दे दें और मोटर बंगले वगैरह का इंतजाम कर दें ताकि तुम सुख से रहो, तो तुम्हें इतराज तो ना होगा? जी इतराज होगा। जी इतराज क्यों होने लगा, आखिर राजकुमारी का सुख तो देखना होगा। खैर सुख तो दोनों का ही देखना होगा, क्यों ठीक है ना? जी हम पूछते हैं, इस बात में तो शक नहीं कि तुम राजकुमारी को बहुत चाहते हो? शायद दुनिया की हर चीज से ज्यादा। बेशक, मगर उस वक्त तो नहीं जब तुमने हमें तार भेजा था। जी तुम एक शरीफ नौजवान हो, शरीफ खानदान से हो, एक बार इंसानियत की कसम खाकर इतना बता दो कि तुमने राजकुमारी को देवी बनाकर जब अपने मन मंदिर में बैठाया था, उस वक्त वो सिर्फ औरत थी या राजकुमारी? जी मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जब तुमने अपनी आंखों में प्यार भर के उसे देखा तो क्या सिर्फ उसका चेहरा देख रहे थे, या उसकी जात से वाबस्ता नाम पैसा शोहरत और दुनिया भर के आराम भी देख रहे थे? अपने आप से धोखा न करो राम, राजकुमारी से धोखा न करो जो तुम्हारी मोहब्बत का दम भरती है। ठीक ठीक बताओ, मोहब्बत करने से पहले तुम्हें राजकुमारी की दौलत का कभी ध्यान नहीं आया? जवाब क्यों नहीं देते? आया था। आपने मेरी सोई हुई आत्मा को फिर से जगा दिया है। ये लो, ये सिर्फ तुम्हें प्यार है। हाँ मैं रुपए से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ क्या आप लोग रुपए से प्यार नहीं करते? आप चाहते हैं कि दौलत सिर्फ आपके पास रहे ताकि आप श्रेष्ठ और इज्जत वाले समझे जाएं, और मैं हमेशा बेचारा मजबूर और गरीब कहलाऊं। मैं पूछता हूँ क्यों, मैं आपसे किस बात में कम हूँ? मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ, मैं भी आप ही की तरह पढ़ा लिखा हूँ। आपको दौलत ऐश के लिए चाहिए, आराम के लिए चाहिए, लुटाने के लिए चाहिए, मगर मुझे सिर्फ दो वक्त खाने के लिए चाहिए। क्या ये मेरा गुनाह है? मैं ये रुपए जरूर ले लेता मगर इनमें हकारत और नफरत की भू लिपटी हुई है। ऐसे चीरे से नाम भी भूल गए बाबूजी, मैं नैना हूँ। नहीं नैना, तुम देवी हो। मैं तुम्हारी मोहब्बत को पहचान नहीं सका था, मकान में रहने वाला मैं महलों के ख्वाब देखने लगा था, ये मेरी भूल थी। अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मकान से महल तक नहीं पहुँच सके तो झोपड़ी में भी ना हो बाबू। तुम भी मुझे स्वीकार नहीं करोगी नैना? ऐसा न कहो बाबूजी, मैं तुम्हारे योग नहीं। तुमसे ज्यादा योग्य से कौन मिलेगा? देखा राम, जीत गरीब की हुई ना। अच्छा गरीब और त्रिशंकु तो मिल जाएं, अमीर भी आ मिलेंगे।
है ना, त्याग का फल मिल रहा है। चलो चलो, गाड़ी चलने का वक्त हो गया, इसी मंडप पे तुम्हारी शादी हो जाए। मगर मेरे पापा? उन्हें मैं मना लेता हूँ, और मैं अपनी माँ को तो उन्हें भी साथ ले आता हूँ। उठो उठो बाबू साहब। तुम तो मने चोर कहते थे, ने मारे से भी डबल चोर निकले हैं। या बुड्ढे की बिचारे की सारी दंदौलत लेने चालियो है। काई नहीं काई नहीं। नैना, मारी एक बात मानेगी? मने इनकार तो नहीं करेगी ना? इनकार ना करना नैना, मैं सेठ जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू देख रहा हूँ। या ले इधर की सारी रकम। सेठ जी, अट्टी में से सारी रकम निकाल रहे हो? भूल को प्रायश्चित कर रहे हूँ। देखो भाइयों, ये सब रकम तुम्हारी है, मैं तुम्हारी तरफ से या बिटिया को शादी को तोहफो। नहीं नहीं सेठ जी, तुम चुप रहो, तू तो लोभी है। देवी को छोड़ के उस पैसे वाले के पीछे भागा था। सेठ जी, मगर ये सब धंधा आपने किया क्यों? अरे मारे मन में लालच आ गई, लालच बहुत बुरी बला। ये बुड्ढे को देखो ना, लालच के वास्ते दुकान ने कुओं बेच दियो, और इसको तो तुम जानते ही हो कैसे है। और ये बड़े लोग, ये बड़े लोग फर्स्ट क्लास में भी यही बैठने को देखे हैं। बोले चल उल्टे हाथ को दोगे हमारे देश के सब लोग लालच छोड़ दे तो देश कितना सुखी हो जाए। जल्दी बैठो, गाड़ी छूटता है, गाड़ी छूटता। मूर्ख हैं जो धन दौलत की चिंता करते रहते हैं, दो दिल मिल जाए जिस घर में स्वर्ग उसी को कहते हैं। बस्ती पर्वत पर्वत घाटा जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती पर्वत पर्वत घाटा